प्रदेश के सभी बेरोजगार और अंध भक्तों को, ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रदेश के सभी बेरोजगार और अंध भक्तों को, युवा बेरोजगारों को साथ की चहेती सरकार जो कि गूंगी बहरी बन चुकी है उनकी तरफ से आपको एक और झटका, एक और बर्बादी का जो उपहार दिया गया है वो आपको मुबारक हो। अब आप बोलेंगे सर आप हमें ये क्यों बोल रहे हैं, इसके कहीं ना कहीं हकदार हम ही हैं क्योंकि हम ही ने इनके ऊपर विश्वास किया था तभी वो हमारे विश्वास का कुठाराघात कर रहे हैं। हर बार सपने दिखाए जाते हैं कि आपको इस बार इतना रोजगार दिया जाएगा, बजट पेश किया जाता है, बजट में सपने दिखाई हमने इस बार 1,00,000 वैकेंसी हम निकालने वाले हैं, इतने बेरोजगारों को हमने रोजगार दे दिया, लेकिन वो कभी भी धरातल पर वो चीज़ें आती ही नहीं है, पता नहीं कागजों में कहाँ गायब हो जाए। जो वैकेंसियाँ निकलवाते हैं उनका पहले से सब कुछ फिक्स होता है कि पेपर लीक होगा, पेपर लीक होते हैं, जब बच्चे रोते रह जाते हैं कि ये वैकेंसी का प्रूफ ले लो ये पेपर लीक हुआ था, तो बोलते नहीं ये तो हुआ ही नहीं, कुछ दो चार निकम्मे थे जो पढ़ते नहीं है बस वो ऐसे हवाउल्ला करते हैं। पागल है साहब, सब लोग बेवकूफ़ हैं, ठीक है, पढ़ने वाले तो यहाँ हैं, बड़े बड़े लोगों के बेटे हैं जो कि आराम से बिना पढ़े लिखे भी आईएएस करते हैं, और ये बेरोजगार, ये जो किसानों के बेटे होते हैं ये रोते हैं, रोड़ों पे धक्के खाते फिरते हैं क्योंकि वो तो लाचार है ना, और वो जग अगर कुछ मांगते हैं तो ये निकम्मे हैं। वाह भाई वाह, ठीक है, पहले सपने दिखा दो, बजट की घोषणा करके खुद ही वाई वाई ले लो कि हमने इतनी घोषणाएं कर दी, जो भर्तियां आपने बोली कि भर्तियां आएंगी, एक बेरोजगार सपने लेकर के बैठा था कि इस बार भर्तियां देंगी, जो भर्तियां आपने निकाली उनके सबके पेपर लीक कर दिए, और जो भर्तियां पहले आई थी जिन भर्तियों का हम वेट कर रहे थे, आपकी जो आप LDC का वेट कर रहे थे, LDC की 14,000 पोस्ट की घोषणा तो कर दी, इसे पूरा कब करोगे, जूनियर अकाउंटेंट का कब से वेट करें, 2013 की ये पोस्ट निकली हुई थी, ठीक है, इसके बाद में कभी ये पोस्ट नहीं आई, 2013 में इस वैकेंसी को भी आपकी पिछली सरकार ने निकाला था, यानी कि आपकी सरकार ने तो ये जूनियर अकाउंटेंट पहले भी नहीं दी थी और अब भी नहीं देने वाले हो, LDC ये भी पिछली सरकार ने निकाली थी, यानी कि दोनों भर्तियां हैं BJP गवर्नमेंट के टाइम पर निकली थी, अगर आप ये दोनों भर्तियाँ देने वाले थे इनको CET में लागू कर दिए, वुमन सुपरवाइजर थी, ध्यान से समझ लीजिएगा, जो वुमन सुपरवाइजर की जो पोस्ट थी ये यहाँ पे, इनकी एग्जाम भी आपकी कब हुई थी, 2019 में थी, ये भी 2018 की वैकेंसी थी, तो भाई आपने ये तीनों की तीनों वैकेंसियाँ थी आपके कार्यकाल में आप निकालने वाले थे, इनको आप पहले तो कैलेंडर जारी कर देते थे हो और बेरोजगारों को सपना दिखा देते हो कि आप इनकी तैयारी कीजिए, 2013 के बाद में आप सोचिए, आज 9 साल बाद में बच्चा वेट कर रहा था, इसको आपने आगे धकेल दिया, LDC की 14,000 में कितने लोगों को रोजगार मिलता, जो बड़ी बड़ी वैकेंसी थी उनके पेपर लीक हो गए, जब पेपर लीक के लिए आपको बोला जाता आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते, बेरोजगार जाएगा कहाँ। अब आप बोल रहे हैं कि इसके अंदर CET लागू कर दो, अगर CET लागू हो गई तो आप दिसंबर तक तो CET करवाएंगे, ये भी कन्फर्म नहीं कि दिसंबर में हो जाएगी क्या, और राजस्थान का रिकॉर्ड है, एक पटवारी जैसी छोटी मोटी एग्जाम का अगर रिजल्ट है तो वो 5-6 महीने तक नहीं आता तो CET में तो कितने लाखों लोग एग्जाम देंगे, पूरी के पूरे बेरोजगार मिलकर देंगे क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर ये यहाँ पे दिसंबर तक एग्जाम देंगे तो मार्च अप्रैल तक इनका रिजल्ट नहीं आएगा, मार्च अप्रैल तक रिजल्ट आएगा उसके बाद में आप मई जून में वैकेंसी निकालोगे, सितंबर अक्टूबर के अंदर आपकी आचार संहिता लग जाएगी, फिर आप वोट लेने के लिए बोल दोगे कि हम इन वैकेंसियों को पूरा करेंगे, ये तो आपको भी पता है कि दोबारा आपके आने के कोई चांस नहीं है, तो बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर लो, ये मजाक मत कीजिए, आप लोग जो सपने दिखाते हैं उनको पूरा कीजिए, हमें नहीं चाहिए CET, हम CET का विरोध करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है CET की, ठीक है, आप तरीके से करवाइए वैकेंसीज को, अगर करवाना था तो इनके पहले कोई प्री एग्ज़ाम कर देते, लेकिन आप ये पहले CET करेंगे, CET के बाद ही एग्ज़ामें करेंगे, और प्री एग्ज़ाम भी क्यों कर दे भाई, हम इतने सालों से वेट करें, बेरोजगार, एक बेरोजगार वो बेरोजगार बन रहा है, एक शिक्षक की जितनी कोचिंग थी कोरोना में सब कुछ बर्बाद हो गया था, शिक्षक गण भी एक वेट कर रहे थे कि कोई अच्छी वैकेंसी आएंगी उनके घरों का भी रोजगार चलेगा, वो बर्बाद होकर के बैठे हैं, आपने CET के अंदर लागू कर दिया, एकदम से कैलेंडर निकाला हुआ, कैलेंडर को रद्द कर दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है, मैं माननीय गहलोत जी से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ करके प्लीज़ बच्चों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ मत कीजिए, इन तीनों वैकेंसीज को एटलीस्ट आप इन तीनों वैकेंसीज को इससे बाहर कीजिए CET से, अगर आपको CET लागू करनी दिसंबर में एग्जाम लीजिए और 2023 से आने वाली जितने भी पोस्ट हैं उनके ऊपर आप CET लागू कीजिए, ये बिल्कुल गलत है, आप बेरोजगारों के साथ युवाओं के साथ बहुत गलत कर रहे हो, और चाहे युवा चिल्लाता रहता लेकिन आप किसी की बात नहीं सुनते हो, और मैं सभी युवा बेरोजगारों से युवाओं से रिक्वेस्ट करूँगा कि हकीकत समझ लीजिए, आपको सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं, इनके ऊपर विश्वास करना बंद कर दीजिए, इस चीज़ का CET का आप विरोध कीजिए, क्योंकि अगर ये लागू होता है तो ये वैकेंसी जैसी कैसी चली जाएगी, माननीय उपेंद्र यादव जी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़
इन वैकेंसीज को सीईटी से बाहर निकाला लें। ये तीनों वैकेंसी है ये सीईटी से बाहर होनी चाहिए। वुमन सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंटेंट टीआरए और एलडीसी, इन तीनों को लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा सपने लगा करके बैठे हैं। एक अरमान है कि वो इन वैकेंसीज को पास आउट करेंगे और जॉब लेकर के रहेंगे। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये गलत ना करें, बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप लोगों से कुछ भी पूछा जाता है तो आप एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते रहते हैं, कभी आप उस सरकार पे, वो सरकार आप पे। इनसे आप लोगों का भला होता है, हम लोगों का भला नहीं होता साहब। हम लोग किसान के बेटे हैं, बेरोजगार हैं, कहीं ना कहीं हर एक बच्चा कहीं ना कहीं परेशान है, तो उनके साथ गलत ना करें। बस इतना ही चाहूँगा कि ये जो कैलेंडर जारी हुआ है उसको निरस्त किया जाए और इन तीनों भर्तियों को वापस से शामिल किया जाए। ये जो डेट दी गई थी उसी डेट पर ये एग्ज़ाम होनी चाहिए और सीईटी से इनसे को बाहर निकाला जाना चाहिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस बात को सभी लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और जहाँ तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए वहाँ तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। ये आपके हक का सवाल है, ये गलत है, बच्चों के भविष्य के साथ कुठाराघात है, ये गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। आप लोग भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सीईटी इन तीनों एग्ज़ाम के अंदर लागू नहीं होनी चाहिए। अगर आप करते हैं तो 2023 से लागू कीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग भी समझदार हो, ऐसे लोगों से आगे बच के रहना जो आपको सपने दिखाते हैं और आपको उन सपनों को खुद ही कुचलते हैं। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा, अगर आप अपने सपने के लिए नहीं लड़ सकते तो कल कोई खड़ा नहीं होगा। आज कोई खड़ा हो रहा है तो उनको सपोर्ट कीजिएगा और मैं सभी गुरुजनों से भी रिक्वेस्ट करूँगा और आप भी अपने गुरुजन से रिक्वेस्ट कीजिए कि आप हमारे लिए बोलिए, इसके लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये गलत है। ये शिक्षक गणों के लिए भी गलत है और एक विद्यार्थीगण के लिए भी गलत है। तो ये सरासर गलत हुआ है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और मैं माननीय सरकार से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन तीनों वैकेंसीज को सीईटी से बाहर किया जाना चाहिए। बस इसी के साथ अभी के लिए इजाज़त दीजिए और कोई अपडेट होगी जल्द आपको इन्फॉर्म करूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसको लेकर के क्या राय है। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।